एक बहुत बड़ी बरतानिया की सियासतदान है, बरतानिया के एक साबिक वज़ीर आज़म की खहर नस्बती है, उनकी बीवी की बहन, खुद भी बरतानिया की मेंबर पार्लियामेंट है, बहुत बड़ी राइटर है। तो वो कहीं किसी सफ़र में थी तो किसी ईरानी ने एक मरतबा उनसे कह दिया कि भैया आप ईरान भी आइएगा। कहा ठीक है, सियासतदान है, चली गई। तो कहा ये जगह जगह गुंबद बने हैं सोने के, ये क्या है? इमाम ज़ादे आपको पता ना ईरान में बहुत ज़्यादा है। कहा ये हरम है, श्राइन है इंग्लिश में कहते हैं, हरम। कहा हरम किन के हैं ये? कहा अहले बैत रसूल खुदा के। कहा मैं अंदर जाना चाहती हूँ। कहा इमाम रज़ा के हरम में नहीं जा सकती, आप मुसलमान नहीं हैं, लेकिन आप हिजाब कर लें, आपको हज़रत मासूमा के हरम में ले जाते हैं। तो कहा ठीक है, 5 मिनट मिल जाएँ तो बहुत अच्छा होगा। अंदर गई, 5 मिनट बाद कहा चलें, किसी खातून ने, क्योंकि जनाने में गई थी। कहा मुझे आधा घंटा और मिल सकता है? तो आधा घंटा बैठने के बाद वो आई तो देखा बहुत ज़्यादा रो रही हैं। कहा मुझे कुछ देर और चाहिए। 1.5-2 घंटे बैठी रहीं। कहा बाहर आई, कहा ये कौन है बीबी? कहा ये 18 बरस की थी जब इनकी शहादत हुई है, इंतकाल हो गया। तो कहा मैं इनसे मुतालिक तहकीक करना चाहती हूँ। तहकीक करने जब बैठी तो चंद महीनों में मुसलमान हो गई। कहा क्या बात है, आपने तहकीक खातून पे की जो इस्लाम की सबसे बड़ी खातून भी नहीं मानी जाती और आप मुसलमान हो गई। अंग्रेजों ने पूछा टेलीविजन पे, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था खातून का। कहा मैं जिंदगी में पूरी दुनिया के मुख्तलिफ बड़े बड़े मुल्कों में गई हूँ, सियासतदान हूँ, दौरे पे जाती हूँ बरतानिया की तरफ से, लेकिन जब मैं उस हरम में गई जहाँ सारे फर्श पे बैठे थे, ना कुर्सियां थी ना मसनत थी, कहा सब के सब फर्श पे बैठे थे, मैं एक मरतबा अंदर गई, जैसे ही जरी के करीब पहुंची एक हैबत सी तारी होने लगी। मैंने महसूस किया यहां ऐसी रूहानियत है जैसी मैंने पूरी जिंदगी महसूस ही नहीं की। मैं समझ गई ये कोई आम बीबी नहीं है, इसका मकाम कुछ और है। क्या मैं बैठी रही, कहा मैं बैठी रही, गिरिया करती रही, रोती रही, एक ऐसी कैफियत तारी हुई। मैं एक मरतबा उस बीबी से मुतवस्सिल हुई, कहा मुझे बताइए अगर आप वाकई हक हैं, मुझे इस रास्ते पे ले आए जिस रास्ते पे आप थी। कहा उस वक्त की मेरी दुआ कबूल हुई, मैं मुसलमान हो गई। फिर बाद में पता चला इस्लाम के अंदर भी इख्तलाफात। कहा मैं उस रास्ते पर चलना चाहती हूँ जिस रास्ते की पेशवा ये बीबी है। कहा इन बीबी का नाम फातिमा मासूमा। अज़ीज़ जाने गिरामी, आपको एहसास ही नहीं है ये रूहानियत जो यहाँ होती है, क्योंकि आप यहाँ पले बड़े हैं, उनसे पूछें जो इससे महरूम है।